हिंदू पक्षकार इस वक्त पहुंच गए हैं वाराणसी कोर्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला वादिनी जो है वो पहुंची हैं। सोहन लाल जी हमारे साथ यहां पर है, सीसी चतुर्वेदी हैं और तमाम वकील यहां पर मौजूद हैं। आज सुनवाई होने वाली है, क्या उम्मीदें? बिल्कुल ये सुनवाई होती है तो हिंदू समाज के लिए टर्निंग प्वाइंट होगा, और ज्ञान भारती का जो एसआई का जो फैसला आएगा यह वास्तव में हिंदू समाज के लिए, देश के सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही शुभ दिन होगा। क्या उम्मीद है आज आपको, क्योंकि आज एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सुनवाई होगी, क्या उम्मीद है? हम लोग को बहुत उम्मीद है, अगर सर्वे सार्वजनिक हो जाएगी तो मतलब पूरी पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये ज्ञानवापी मंदिर है, न कि मस्जिद है। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप हियरिंग में लगातार रहे हैं, आज सुनवाई होनी है सार्वजनिक होने को लेकर एएसआई की? आज तो बायकॉट है, सुनवाई होती है तो पब्लिक डोमेन पर आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दाखिल हो जाती है वो पब्लिकली हो जाती है। उनके कह देने से कि इसको व्यक्तिगत रख दिया जाए, छिपा कर रख दिया जाए, शपथ दिया जाए, गलत है। उनका प्रार्थनापत्र खारिज होगा, उस पर हम आपत्ति करेंगे, आज बहस करेंगे, आदेश होगा, पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा। कोई भी सबूत साक्ष्य है जो न्यायालय में दाखिल हो जाता है वो पब्लिकली हो ही जाती है। हिंदू पक्षकार के वकील और वादिनी याचिकाकर्ता सभी लोग जो है वाराणसी के कोर्ट यहाँ पर पहुंच गए हैं, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और सुनवाई जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगी एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मामले पर।